आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन धर्म के लोग अपने पूर्वजों का पुण्य स्मरण अपने मानस पटल पर सदैव जीवंत रखा करते हैं। हिंदू धर्मावलंबी अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और पितर पक्ष में अपने पितरों को याद कर उनके लिए पूजन अर्चन किया करते हैं। पितर पक्ष 15 या 16 दिनों का रहता है। जब यह 16 दिनों का रहता है तब इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक 25 के अनुसार पितर पूजने वाले पितरों को, देव पूजने वाले देवताओं को और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात मनुष्य को उसी की पूजा करने के लिए कहा है जिसे पाना चाहता है। अर्थात समझदार इशारा समझ सकता है कि परमात्मा को पाना ही श्रेष्ठ है। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा लिखना न भूलिए। हिंदू धर्म के मार्कंडेय पुराण में भी श्राद्ध के विषय में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें एक रुचि नाम का ब्रह्मचारी साधक वेदों के अनुसार साधना कर रहा था। वह जब 40 वर्ष का हुआ तब उसे अपने 4 पूर्वज जो मनमाना आचरण व शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितर बने हुए थे तथा कष्ट भोग रहे थे दिखाई दिए। पितरों ने उससे कहा कि बेटा रुचि शादी करवा कर हमारे श्राद्ध का निकाला करो, हम तो दुखी हो रहे हैं। इस पर रुचि ऋषि बोले कि पितरामहो वेद में क्रिया या कर्म कांड मार्ग श्राद्ध, पिंड भरवाना आदि को मूर्खों की साधना कहा है। फिर आप मुझे क्यों उस गलत शास्त्र विधि रहित रास्ते पर जाने को कह रहे हैं? इस पर पितरों ने कहा कि बेटा आपकी बात सत्य है कि वेदों में पितर पूजा, भूत पूजा के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा को भी अविद्या की संज्ञा दी है। जानकार विद्वानों के अनुसार पूर्वज पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित वैदिक ऋचाओं में से अनेक पितरों तथा मृत्यु की प्रशस्ति में गाई गई है। पितरों का आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों, वंशजों को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। पितरों को आराधना में लिखी ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। पितरों का विभाजन वर, अवर और मध्यम वर्गों में किया गया है। संभवतः इस वर्गीकरण का आधार मृत्युक्रम में पितर विशेष का स्थान रहा होगा। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितर तथा अंतरिक्षवासी पितर श्रद्धेय है। सायन के टीका अनुसार श्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितर प्रथम श्रेणी में, स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितर द्वितीय श्रेणी में और इनसे भिन्न कर्म करने वाले पितर अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए। ऐसे 3 विभिन्न लोकों अथवा कार्यक्षेत्रों का विवरण प्राप्त होता है जिनसे होकर मृतात्मा की यात्रा पूर्ण होती है। ऋग्वेद में अग्नि से अनुनय है कि वह मृतकों को पितरलोक तक पहुँचाने में सहायक हो। अग्नि से ही प्रार्थना की जाती है कि वह वंशजों के दान पितरगणों तक पहुँचाकर मृतात्मा को भीषण रूप में भटकने से रक्षा करें। ऐत्रेय ब्राह्मण में अग्नि का उल्लेख उस रज्जु के रूप में किया गया है जिसकी सहायता से मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचता है। स्वर्ग के आवास में पितर चिंतारहित हो परम शक्तिमान एवं आनंदमय रूप धारण करते हैं। पृथ्वी पर उनके वंशज सुख समृद्धि की प्राप्ति के हेतु पिंडदान देते और पूजा पाठ करते हैं। वेदों में पितरों के भयावह रूप की भी कल्पना की गई है। पितरों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशजों के निकट आए, उनका आसन ग्रहण करें, पूजा स्वीकार करें और उनके क्षुद्र अपराधों से अप्रसन्न हों। उनका आह्वान व्योम में नक्षत्रों के रचिता के रूप में किया गया है। उनके आशीर्वाद में दिन को जाज्वल्यमान और रजनी को अंधकार में बताया है। परलोक में 2 ही मार्ग है, देवयान और पितरयान। पितरगणों से यह भी प्रार्थना है कि देवयान से मर्त्याय की सहायता के लिए अग्रसर हों।
संहिताओं और ब्राह्मणों की बहुत सी पंक्तियों में मृत्यु के प्रति मिलता है। पहला जन्म साधारण जन्म है। पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र में और पुत्र के बाद पौत्र में जीवन की जो निरंतरता बनी रहती है, उसे दूसरे प्रकार का जन्म माना गया है। मृत्युप्रांत पुनर्जन्म तीसरे प्रकार का जन्म है। कौशीतकी में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो मृत्यु के पश्चात चंद्रलोक में जाते हैं और अपने कार्य एवं ज्ञानानुसार वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर कीट पशु पक्षी अथवा मानव रूप में जन्म लेते हैं। अन्य मृत देवयान द्वारा अग्निलोक में चले जाते हैं। छांदोग्य के अनुसार ज्ञानोपार्जन करने वाले भले व्यक्ति मृत्युप्रांत देवयान द्वारा सर्वाइच ब्राह्मण पद प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ एवं जनकार्य करने वाले दूसरी श्रेणी के व्यक्ति रजनी और आकाश मार्ग से होते हुए पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं और इसी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। स्मृतियों एवं पुराणों में भी आत्मा संसरण संबंधी विश्वास पाए जाते हैं और इनमें भी पितर्पण के हेतु श्राद्ध संस्कारों की महत्ता परिलक्षित होती है। मृत्युप्रांत पितर कल्याण हेतु पहले दिन 10 दान और अगले 10-11 दिन तक अन्य दान दिए जाने चाहिए। इन्हीं दानों की सहायता से मृतात्मा नई काया धारण करती है और अपने कर्मानुसार पुनरावृत होती है। पितर पूजा के समय वंशज अपने लिए भी मंगल कामना करते हैं। प्रथम 10 दानों का प्रयोजन मृतकों का अध्यात्म निर्माण है। मृत्यु के 11वें दिन एकोदिष्ट नामक दान दिया जाता है। अगले 2 मास में प्रत्येक मास 1 बार और अगले 12 मासों में प्रत्येक 6 मास की समाप्ति पर एक अंतिम दान द्वारा इन संस्कारों की कुल संख्या 16 कर दी जाती है। श्राद्ध संस्कारों के संपन्न हो जाने पर पहला शरीर नष्ट हो जाता है और आगामी अनुभवों के लिए नए शरीर का निर्माण होता है। वेद वर्णित कर्तव्यों में श्राद्ध संस्कारों का विशेष स्थान है। कर्तव्य प्रायणता के हित में वंशजों द्वारा इनका पालन आवश्यक है। आज भी प्रत्येक हिंदू इस कर्तव्य का पालन वैदिक रीति के अनुसार करता है। इस प्रथा के दार्शनिक आधार की पहली मान्यता मनुष्य में आध्यात्मिक तत्व की अमरता है। आत्मा किसी सूक्ष्म शारीरिक आकार में प्रभावित होती है और इस आकार के माध्यम से ही आत्मा का संसरण संभव है। असंख्य जन्म मरणोपरांत आत्मा पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाती है। यद्यपि आत्मा के संसरण का मार्ग पूर्व कर्मों द्वारा निश्चित होता है, तथापि वंशजों द्वारा संपन्न श्राद्ध क्रियाओं का महात्म्य भी इसे प्रभावित करता है। बौद्ध धर्म में 2 जन्मों के बीच एक अंतस्थायी अवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें आत्मा के संसरण का रूप पूर्व कर्मानुसार निर्धारित होता है। पुनर्जन्म में विश्वास हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों चिंतन प्रणालियों में पाया जाता है। हिंदू दर्शन की चार्वाक पद्धति इस दिशा में अपवाद स्वरूप है। अन्यथा पुनर्जन्म एवं पितरों की सत्ता में विश्वास सभी चिंतन प्रणालियों और वर्तमान पर अपर सभी हिंदुओं में समान रूप से पाया जाता है। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।